नमस्कार, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अभी रेलवे ग्रुप डी का पीटी का एग्जाम चल रहा था, जैसा कि आपको ज्ञात होगा। कंटिन्यू मैं इसका अपडेशन देती रहती हूँ। अभी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का नोटिफिकेशन आ गया है और इसमें कुल मिला के 9498 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। सर्वप्रथम मैं कटअप की बात करूँ तो चेन्नई डिवीजन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल चेन्नई CNRRC01/2019 लेवल 1 पोस्ट से कटअप मार्क्स फाइनल मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ME। तो शॉर्टलिस्टेड किया गया है 9498 कैंडिडेट्स टोटल। जिसमें कैटेगरी की बात करूँ तो यूअर कैटेगरी का जो कटअप गया है वो है 67.51424। SC का जहाँ तक सवाल है तो SC का गया है 56.94467। ST का जहाँ तक सवाल है तो ST का कटअप गया है 55.31313। OBC का कट ऑफ गया है 63.30951 एंड EWS का कट ऑफ गया है 47.66667 एंड EXS का यूअर कैटेगरी में कट ऑफ गया है 41.14001। SC में कट ऑफ गया है 38.07831। ST में नहीं है, OBC में है 30.64312, EWS में नील है। जहां तक CCAA में यूआर का जो कट ऑफ है वो है 40.0328, SC में 30.02497, ST में 30.01669, OBC में 30.00014 और EWS में नील। जहां तक PWBD6 में कट ऑफ गया है 50.8457H, PWBD HI में जो कट ऑफ गया है वो है 28.31571, PWBD LD में कट ऑफ गया है 54.65639, PWBD MD में कट ऑफ गया है 34.73385। यह चेयरमैन RRC चेन्नई के द्वारा दिया गया है और शेड्यूल इसमें दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए। तो साथियों, यह साधन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल चेन्नई के द्वारा दिया गया है, जिसको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, CA 01/2019 जो लेवल 1 पोस्ट में सिलेक्ट किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको हम CBT टेस्ट बोलते हैं। एग्जाम कंडक्ट ड्यूरिंग द पीरियड 17/8/2022 to 11/10/2022 बाई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRBS एंड फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET4 नन PWBD एंड CCAA कैंडिडेट्स कंडक्टेड फ्रॉम 19/1/2023 to 23/1/2023 फॉर द पोस्ट इन लेवल 1 7 CPC पे मैट्रिक्स अगेंस्ट सेंट्रलाइज। तो साथियों, ये कटअप चेन्नई डिवीजन का जरूर आ गया है। किन्हीं को यह कटअप सुख दिया है तो किन्हीं को बहुत बड़ा झटका दिया है। तो देखिए, जिंदगी का गेम होता है यह, आपको सुख और दुख हमेशा झेलने के लिए हमेशा तत्पर रहिए, लेकिन हाँ, कुछ पल के लिए थोड़ा सडन सा एक शॉकिंग होता है कि ये क्या हो गया। लेकिन देखिए, प्रकृति ने हम लोगों को एक अलग तरीके के चक्र से घुमाता है, तो घूमना तो पड़ेगा ही। ये ह्यूमन बीइंग है और हम लोगों ने मानव धर्म में जन्म लिया है, तो ऐसा होगा। तो बहुत सारे इसमें 9498 कैंडिडेट यानी 9498 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। इसमें भी कई सारे लोग मेरिट में फिट होंगे, अनफिट होंगे, इस आधार पर सेकेंड कॉल लिस्ट आना, सेकेंड मेरिट का देना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आती रहेंगी। आपका जो नसीब है, आपका जो लक है, कब बदल जाए कोई नहीं जानता है। हमारा और आपका काम होता है मेहनत करना, और हम तो जानते हैं कि इतना ही हमारा ड्यूटीज़ है। ड्यूटीज़ तो इतना हम करना पड़ेगा, हिम्मत नहीं हारिए। जिन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, जिनको मेडिकल के लिए बुलाया गया है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ब्रो, अच्छे से काम कीजिए मेरे दोस्त, मेरे साथी, और पूरा मेडिकल पे के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी चीज़ बनवानी है आपको अच्छे से बनवा लीजिएगा, समय रहते हुए, ब्लॉक एंड ऑल। जैसे कि आपको OBC कैटेगरी में होंगे या फिर EWS होंगे या ST होंगे, SC होंगे, जो भी आपको क्रिटेरिया फुलफिल करना होता है, इन सारी चीज़ों को फुलफिल करना है। जो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने ऑनलाइन करते वक्त जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिया होगा, उन सारे डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करके एक जगह रख दे, सबका जीरोक्स कर ले, फोटो कॉपीज कर ले, कलर फोटोग्राफ्स करना है। आपको मालूम होगा कि सदर्न रेलवे में कलर फोटोग्राफ्स एंड रिसेंट का जो फोटो है आपका, वो आपको ले जाना है। आप घबराएं नहीं, आपका कुछ सपोज मिस्टेक भी हो गया है तो आप इस तरीके से चिंतित नहीं होने, नहीं हो पाएगा मेरा ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। जो भी मेडिकल में भी आप हम सब लोग श्योर रहिएगा, इस बार से दुआ कीजिएगा कि सभी लोगों का अच्छे से हो जाएगा। और हाँ, ये क्या है कि समय रहते हुए आपको डेट भी, आपको सब कुछ डेट के अनुसार बनवा लेना है, देर नहीं करना है। जिन भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन सारे मेरे दोस्त को ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका इस बार करें और भी जो अपकमिंग जो स्टेप्स है उसमें भी आप सफल हो। और जिन मेरे बंधुओं को, जिन मेरे दोस्त का नहीं हुआ है, उनसे मैं इतना ही बोलूँगा कि दोस्त हिम्मत मत हार, थोड़ा सा जिंदगी की राह कठिन जरूर है लेकिन सफलता जरूर मिलेगी, आपने मेहनत की और मेहनत कंटिन्यू कर। जैसे कि मैंने कटअप बताया, सारी कैटेगरी का कटअप बताया कटअप के अकॉर्डिंग, और सरकार का जो एक मापदंड होता है सिलेक्शन करने का, उस अनुसार वो सिलेक्ट करता है लोगों को।
मैं इतना ही कहूंगी इस पर मैं भरोसा रखी, अगर आप आस्तिक है तो नास्तिक है तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ आपको, और मेहनत जरूर करते रहे, जो भी होने का होगा देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी चीजों के साथ, कुछ अच्छे विचारों के साथ। आपका कॉपरेशन हमेशा बना रहे तो बहुत अच्छा होगा। अगर अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं मैं आपको कुछ बेनिफिट हुआ है या फिर होगा अपकमिंग टाइम में, तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे, हो सके तो शेयर कर देंगे फेसबुक चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, जो भी आपका फेसबुक सोशल मीडिया का चैनल है उस पर, व्हाट्सएप स्टेटस पे कुछ भी लगा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं सराहनीय कदम होगा इस फैमिली के लिए, इस ग्लोबल ज्ञान परिवार के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि ग्लोबल ज्ञान परिवार बहुत अभी छोटा है, आप लोगों के बगैर बड़ा नहीं हो सकता है। मेरे दोस्त हमेशा मेरे साथ रहूंगी, हमारी कोशिश होगी कि ये जो हम लोगों का जो साथ है, हमने जो इस परिवार को शुरुआत की है, जितना तक हमसे हो सकता है कोशिश होगी हम अच्छा कर्म करें, चीज़ों को अच्छे से लोगों में बांटे, आप भी कोशिश करें बांटने का। तो थैंक यू वेरी मच। कुछ अगर कहना हो हमसे, कुछ आप मुझसे बोलना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय हिंद।